अश्विनी यानी वाचिंग मी ऑन ए न्यू गाइडर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगा कर कर रहे होंगे। बच्चों हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखे थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस वन एंड साइंस टू के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, एज वेल एज हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको बहुत 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 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी चांसेस है पूछे जाने के। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की और आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप फटाक से आपकी टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाइए, हाथ में पेंसिल लेकर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप कर लीजिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 ओपन। 74 पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट नोट ऑन। इसमें से ऐसा कुछ खास तो पूछा नहीं गया है बट आई थिंक सो कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसमें से जो सेकंड वाला है ना ये सेकंड वाला आपको कर लेना है। ओके सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो सेकंड वाला जो है ये आपको कर लेना है बच्चों। ओके सो यू हैव टू डू दिस सेकंड वन, नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस फर्स्ट वन। ओके नेक्स्ट इज जो थर्ड है, थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड भी आपको कर लेना है। ओके नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए स्टेट द फॉलोइंग जो है, यहां पर से आपको जो है इसमें से आपको राइट फॉर इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये चीज आपको कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की और, सेकेंड चैप्टर दैट इज पेज नंबर 80 पर आ जाइए आप डायरेक्टली। एक्सरसाइज जो यहाँ पर गिवन है आपके पेज नंबर 80 पर गिवन है। ओके और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ से कंसेप्ट मैप जो है ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बाद में यहाँ पर देखिए व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इसका क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। तो आ जाइए पेज नंबर 80 के ऊपर, ये तो आपको करना ही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है ये तो आपको पूरे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ओके सो यहाँ पर देख लीजिए अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज जो यहाँ से आप ये कर लीजिए क्वेश्चन। ओके इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यहाँ से आपको करना है फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने कहा था आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। राइट नोट ऑन आपको ये करना है। देन नेक्स्ट इज ईएमवी भी आप कर लीजिएगा बच्चों क्योंकि ईएमवी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज ये तो आपको करना ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट जो है ये आपको करना ही है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, इट इज ऑन पेज नंबर 90। आप 90 डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा जहां पर आपकी एक्सरसाइज गिवन है। और आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आपको सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स आपको याद रखना, ये सिंबल है नेशनल कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, देन दिस इज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो सिंबल्स है ये आपको याद रखना है, इसी के साथ साथ ये इनका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब फॉर्म हुआ था 1964 में, देन ये जब ये कब फॉर्म हुआ था नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो डेट है दैट इज 1885, ये सारे जो आपको डेट है बच्चों ये डेट याद रखना है सारे पार्टीज का। जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी, इसका सिंबल है लोटस। ओके इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन फाउंडेशन क्या है ये आपको पढ़ लेना है। तो ये सारे सिंबल्स जो है ना ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 90 के ऊपर, ये भी आपको पढ़ लेना है, सब मेजर रीजनल पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज के नाम आपको याद रख लेना है, ऑल दीज आर द रीजनल पार्टीज जो भी ऊपर दिए हुए हैं। ओके दीज आर द रीजनल पार्टीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर देख लीजिए आपको ट्रू और फॉल्स में से सबसे पहला जो गिवन है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये तो। देन कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स का ये आपको करना है। देन अकाली दल का क्वेश्चन आपको करना है बच्चों फोर्थ वाला। नेक्स्ट इज रीजनलाइजेशन, देन नेशनल पार्टीज, इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां से तो पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज ऑन पेज नंबर 96 पर आ जाइए आप। चैप्टर नंबर 4 का जो आपको एक्सरसाइज गिवन है दैट इज ऑन पेज नंबर 96। सो यस हियर वी आर। यहां पर देख लीजिए आपको
जो गिवन है राइट नोट ऑन, यहाँ से आपको करना है ट्राइबल मूवमेंट, देन लेबर मूवमेंट। यही चैप्टर में आपको जो वर्कर्स मूवमेंट मिलेगा वो वर्कर मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। देन आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ में आपको पढ़ना है। फर्स्ट वाला एक्सप्लेन द एक्टिविटीज रोल फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ से तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों जो क्वेश्चन है ना ब्रीफ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन्स का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक तो वैसे काफी टाइम नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है तो आपको पढ़ लेना है, रिफॉर्म्स वेयर द वुमेन्स मूवमेंट इज इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग, ये आपको क्वेश्चन जो है ये कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर में आप देख लीजिए स्टेटमेंट व्यू रीजन, यहाँ से आपको करना है मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड, आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर के ऊपर, फिफ्थ चैप्टर पे आप ओपन कर लीजिए आपके एक्सरसाइज, यहाँ से आपको करना है राइट नोट ऑन फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड। देखिए करप्शन तो आपको पता है बट स्टिल पढ़ लीजिएगा। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ से करना है आपको ऑल दी थ्री, ओके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखिए कुछ ना पढ़ने से तो बेटर है कि आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए सिविक्स का ज्यादा मार्क्स के लिए आपको पूछा नहीं जाता है, आप क्या करिए हिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए। हिस्ट्री के भी मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको कंसेप्ट मैप जो है, कंसेप्ट चार्ट जो है वो भी यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वो कंसेप्ट चार्ट को जो है वो नोट करके रखिए और उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से।